नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी गुजरात पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस समय मेरे चैनल पर फर्स्ट सेमेस्टर के मॉक टेस्ट चल रहे हैं और सुबह 9 बजे गणित सेकंड सेमेस्टर की क्लास चलती है। तो इसी क्रम में आज मैं आप लोगों के लिए संस्कृत का मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा का अन्य नाम है, संस्कृत भाषा का अन्य नाम है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है देववाणी, दूसरा ऑप्शन है सुर भारती, तीसरा ऑप्शन है गौवाण भारती, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। देखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 से 4 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, फटाफट आप लोग आंसर बताइए। तो देखिए, इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद है। देखिए, पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है सामवेद, तीसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, और फिर चौथा ऑप्शन है अथर्ववेद। तो देखिए, इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ऋग्वेद। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा के अध्ययन से लाभ होता है, संस्कृत भाषा के अध्ययन से लाभ होता है। पहला ऑप्शन है आर्थिक, दूसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक, तीसरा ऑप्शन है भाषा का ज्ञान, और चौथा ऑप्शन है प्राच्य साहित्य ज्ञान। तो देखिए, इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, प्राच्य साहित्य ज्ञान। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा का आधार यानी कि प्राण है, संस्कृत भाषा का आधार है। पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है संधि, दूसरा ऑप्शन है समास, तीसरा ऑप्शन है व्याकरण, और चौथा ऑप्शन है अनुवाद। तो देखिए, इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, व्याकरण। संस्कृत भाषा का आधार है, क्या है? व्याकरण। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत में धातु रूप कहते हैं, संस्कृत में धातु रूप कहते हैं। पहला ऑप्शन है संज्ञा पद को, दूसरा ऑप्शन है कर्म पद को, तीसरा ऑप्शन है क्रिया पद को, और चौथा ऑप्शन है विशेषण पद को। तो देखिए, इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्रियापद को। संस्कृत में धातु रूप किसे कहते हैं? क्रियापद को कहते हैं। तो इसका सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल गण होते हैं, कुल गण होते हैं। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 5, और चौथा ऑप्शन है 7। तो देखिए, इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 10। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पद कितने प्रकार के होते हैं, पद कितने प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5, और चौथा ऑप्शन है 3। तो देखिए, इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 2। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी धातु सकर्मक नहीं है, इनमें से कौन सी धातु सकर्मक नहीं है। पहला ऑप्शन है पठ, दूसरा ऑप्शन है हन, तीसरा ऑप्शन है भच्छ, और चौथा ऑप्शन है नृत। तो देखिए, इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, नृत। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध रूप क्या है, शुद्ध रूप क्या है। देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोग फटाफट आंसर बताइए। तो देखिए, इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, देखिए ज्येष्ठा, ज्येष्ठा ऑप्शन इसका सही है, यानी कि द ऑप्शन सही है। तो जो स्टूडेंट द ऑप्शन टिक करना, बिल्कुल राइट आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री शब्द का प्रथमा एक वचन का रूप है, श्री शब्द का प्रथमा एक वचन का रूप है। देखिए, चार ऑप्शन लिखे हुए हैं आपके सामने, देख करके तुरंत बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो देखिए, इसका जो ब ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, श्री। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अशुद्ध क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध क्या है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है पुष्टा, दूसरा ऑप्शन है दृष्टा, सॉरी दूसरा ऑप्शन है दृष्ट, और तीसरा ऑप्शन है श्रेष्ठ, और फिर चौथा ऑप्शन है श्रेष्ठ। तो देखिए, इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, श्रेष्ठा।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र चूर्णम को हिंदी में कहते हैं, मिश्र चूर्णम को हिंदी में कहते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है मिश्रा आटा, दूसरा ऑप्शन है गेहूं का आटा, तीसरा ऑप्शन है मैदा और चौथा ऑप्शन है सूजी। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मिश्रा आटा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग के भेद हैं, लिंग के भेद हैं। पहला ऑप्शन है दो, दूसरा ऑप्शन है चार, तीसरा ऑप्शन है तीन और चौथा ऑप्शन है पांच। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा तीन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वचन के भेद हैं, वचन के भेद हैं। देखिए पहला ऑप्शन है तीन, दूसरा ऑप्शन है दो, तीसरा ऑप्शन है चार और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। देखिए वचन के तीन भेद होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत में कितने वचन होते हैं, संस्कृत में कितने वचन होते हैं। पुनः वही क्वेश्चन है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है दो, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है चार, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है तीन और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है दस। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो सही हो जाएगा तीन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अनुसार कविता से कीर्ति प्राप्त होती है, किसके अनुसार कविता से कीर्ति प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन है कालिदास, दूसरा ऑप्शन है माग, तीसरा ऑप्शन है भामह और चौथा ऑप्शन है वाल्मीकि। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा भामह। देखिए किसके अनुसार कविता से कीर्ति प्राप्त होती है, तो इसका सा ऑप्शन सही हो जाएगा भामह। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पिता का हिंदी शब्द है, पिता का हिंदी शब्द है। देखिए पहला ऑप्शन है नीला, दूसरा ऑप्शन है पीला, तीसरा ऑप्शन है लाल और चौथा ऑप्शन है हरा। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा पीला। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में स्त्रीलिंग है, निम्न में स्त्रीलिंग है। पहला ऑप्शन है संघ, दूसरा ऑप्शन है समूह, तीसरा ऑप्शन है समिति और चौथा ऑप्शन है केला। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा समिति। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पदों के मिलने की प्रक्रिया कहलाती है, पदों के मिलने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए पहला ऑप्शन है समास, दूसरा ऑप्शन है संधि, तीसरा ऑप्शन है अलंकरण और चौथा ऑप्शन है एकत्व। देखिए पहले ऑप्शन में समसन लिखा लेकिन यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, समास होना चाहिए। तो आप लोगों को फटाफट आंसर बताना है। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा समास। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आर्य भाषाओं का उद्भव हुआ है, आधुनिक आर्य भाषाओं का उद्भव हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन है पाली से, दूसरा ऑप्शन है संस्कृत से, तीसरा ऑप्शन है प्राकृत से और चौथा ऑप्शन है अंग्रेजी से। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा संस्कृत से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत व्याकरण में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, संस्कृत भाषा में सॉरी संस्कृत व्याकरण में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है पांच, दूसरा ऑप्शन है तीन, तीसरा ऑप्शन है दो और चौथा ऑप्शन है चार। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा तीन, क्योंकि संस्कृत व्याकरण में वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तवाच, कर्मवाच और भाववाच्य। तो वाच कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु कितने प्रकार की होती हैं, धातु कितनी प्रकार की होती हैं। देखिए पहला ऑप्शन है पांच, दूसरा ऑप्शन है दो, तीसरा ऑप्शन है तीन और चौथा ऑप्शन है चार। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा दो, धातु कितने प्रकार की होती हैं, तो दो प्रकार की। इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लिट लकार किस काल का बोधक है, लिट लकार किस काल का बोधक है। देखिए पहला ऑप्शन है वर्तमान काल, दूसरा ऑप्शन है भूतकाल, तीसरा ऑप्शन है भविष्यत काल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा भविष्यत काल, क्योंकि लिट लकार
किस काल का बोधक है? भविष्यत काल का ही बोधक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गच्छेत किस लकार का रूप है? गच्छेत किस लकार का रूप है? पहला ऑप्शन है लट का, दूसरा ऑप्शन है लोट का, फिर तीसरा ऑप्शन है विधलिंग का, और चौथा ऑप्शन है लंग लकार। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, विधलिंग का। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वह है? प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वह है? देखिए पहला है तिप प्रत्यय, दूसरा है झी प्रत्यय, और तीसरा है तस प्रत्यय, और चौथा है सिप प्रत्यय। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, झी प्रत्यय। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है? भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है? पहला ऑप्शन है भवामि, दूसरा ऑप्शन है भवथ, तीसरा ऑप्शन है भवंति, और चौथा ऑप्शन है भवति। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, देखिए भवंति, क्योंकि भू धातु लट लकार कैसे चलता है? भवति बहुता भवंति, तो यहां पर देखिए बहुवचन पूछा जा रहा है तो भवंति हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भू धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है? भू धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है बभू, फिर दूसरा ऑप्शन है बभू, और फिर तीसरा ऑप्शन है अभवन, और चौथा ऑप्शन है बभूवतुः। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अभवन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वद धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है? वद धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है? पहला ऑप्शन है देखिए वदति, दूसरा ऑप्शन है रोदताम, तीसरा ऑप्शन है रोदयतु, और फिर चौथा ऑप्शन है देखिए रोदंतु। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, वदते। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हन धातु का लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है? हन धातु का लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है? देखिए पहला ऑप्शन है अहनत, दूसरा ऑप्शन है अवधः, तीसरा ऑप्शन है अवधीत, और चौथा ऑप्शन है वधः। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अहनत। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है? हस धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है? पहला ऑप्शन है हंति, दूसरा ऑप्शन है अहसन, तीसरा ऑप्शन है जहति, और चौथा ऑप्शन है जहंति। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अहसन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप है? दिव धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप है? देखिए पहला ऑप्शन है दिव्यति, दूसरा ऑप्शन है दिव्यत, और तीसरा ऑप्शन है दिव्यति, और फिर देखिए चौथा ऑप्शन है दिव्यत। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, दिव्यति। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कथ धातु लेट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है? कथ धातु लेट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है? देखिए कथस्यतः पहला ऑप्शन है, दूसरा है कथतः, और तीसरा ऑप्शन है कथिस्यतः, और फिर देखिए चौथा ऑप्शन है कथिस्यतः। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, कथतः। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी शब्द का तृतीया बहुवचन का रूप है? नदी शब्द का तृतीया बहुवचन का रूप है? देखिए पहला ऑप्शन है नदी ही, दूसरा ऑप्शन है नद्यः, तीसरा ऑप्शन है नदीन, और चौथा ऑप्शन है नदी भी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, नदी भी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्विका का हिंदी शब्द है? दर्विका का हिंदी शब्द है? देखिए पहला ऑप्शन है आलू, दूसरा ऑप्शन है गोभी, तीसरा ऑप्शन है लौकी, और चौथा ऑप्शन है मूली।
तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, गोभी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माधुर्यम लिंग है, माधुर्यम लिंग है। देखिए पहला ऑप्शन है पुल्लिंग, दूसरा ऑप्शन नपुंसक लिंग, तीसरा ऑप्शन है स्त्रीलिंग और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, नपुंसक लिंग। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मधु का सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, मधु का सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। पहला ऑप्शन है मधुना, दूसरा ऑप्शन है मधुन, तीसरा ऑप्शन है मधुस और फिर चौथा ऑप्शन है मधुने। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मधुस। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, चोरयत में धातु है, चोरयत में धातु है। देखिए पहला ऑप्शन है चुर, दूसरा ऑप्शन है चोर, तीसरा ऑप्शन है चोरे और चौथा ऑप्शन है देखिए चोरथ। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, चुर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़ाई संज्ञा है, लड़ाई संज्ञा है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। फटाफट आप लोग आंसर बताइए। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बैल का संस्कृत शब्द है, बैल का संस्कृत शब्द है। पहला ऑप्शन है उष्टः, दूसरा ऑप्शन है मुष्का, तीसरा ऑप्शन है महिषी और चौथा ऑप्शन है श्रृगाला। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, महिषी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नम धातु विधिलिंग परस्मै पद मध्यम पुरुष एक वचन क्या होगा। देखिए नमयेह पहला ऑप्शन है, दूसरा है नमेम, तीसरा ऑप्शन है नमेह और चौथा ऑप्शन है नमेतम। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है सही हो जाएगा, नमेह। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप है, पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन सॉरी एक वचन रूप है। तो देखिए एक वचन रूप क्या होगा, देखिए पहला ऑप्शन है अपठतम, दूसरा ऑप्शन है पठान, तीसरा ऑप्शन है पठाम और चौथा ऑप्शन है पठिष्याम। तो देखिए पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा पठाम, क्योंकि उत्तम पुरुष जो है पठाम पठावा पठामा इस तरीके से जो है चलता है, तो ये पठाम जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा। तो इसका जो सा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वातदम शब्द का हिंदी अर्थ है, वातदम शब्द का हिंदी अर्थ है। देखिए पहला ऑप्शन है छुआरा, दूसरा ऑप्शन है बादाम, तीसरा ऑप्शन है काजू और चौथा ऑप्शन है मखाना। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बादाम। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रा में वचन है, छात्रा में वचन है। देखिए पहला ऑप्शन है एक वचन, दूसरा ऑप्शन है द्विवचन, तीसरा ऑप्शन है बहुवचन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, एक वचन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालका उदाहरण है, बालका उदाहरण है। देखिए पहला ऑप्शन है बहुवचन का, दूसरा ऑप्शन है एक वचन का, तीसरा ऑप्शन है द्विवचन का और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बाल का उदाहरण किसका होगा, बहुवचन का। तो इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि बालका बालको बालका यानी कि जो है बहुवचन में बालका रूप होता है, तो ये बहुवचन का उदाहरण हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।